ये चौड़ाई है पूरी, यहाँ से यहाँ तक पूरी एक चौड़ाई बनाई गई है, इसको चौड़ाई बनाया गया, एक मीनार कितना अच्छे से बनाई गई है। उसके बाद जो डिज़ाइन है, जो पत्थर से ही बनाए गए हैं, जो आज के टाइम में तो कास्टिंग करके इसको बनाते हैं, बट लेकिन इन मिस्त्री ने क्या किया कि पत्थर से इसको डिज़ाइन करके एकदम साउल में, देख नहीं पा रहे हो, पूरा एक प्रॉपर साउल में है, पूरा थ्रू आउट वहाँ से चारों तरफ से इसको घुमाया गया, इस जो मोल्डिंग है इस डिज़ाइन को चारों तरफ घुमाया गया है, ठीक है। उसके बाद देख पा रहे हैं ये डिज़ाइन बनाया गया जो रेडियस कलर से पत्थर को इसको कटिंग करके इसको जॉइंट किया गया है, अलग अलग लाल पत्थर अलग हैं। ये जो जो बाहर का चीज़ देख पा रहे हो, ये चीज़ है प्लास्टर, पत्थर से मेजरिंग करके उसके बाद इसको प्लास्टर किया गया है। जैसे टेरेस के ऊपर प्लास्टर हुआ है, सेम इसी तरह इस गुलाई को कैसे इतना अच्छे से प्लास्टर किया हुआ है, जो क्रैक्स आ चुके हैं, क्या है कि पता नहीं क्यूरिंग होती थी नहीं होती पहले टाइम में, और कितना अच्छे इसको जो कटिंग है, जो पत्थर है उसकी जो थिकनेस है प्रॉपर एक सांचे से बनाई गई है। पहले क्या होता था कि इतने कटिंग टूल्स होते नहीं, बस हथौड़े या छेनी कुछ इस तरह से होते थे, उसी से कटिंग कर करके इसको बनाते हैं। पहले कोई बिजली नहीं होती थी, कोई मशीन भी इस तरह से नहीं होती थी, लेकिन उसी से इसको कटिंग करके एक शेप बनाया गया है, देखो पहले से ही टाइम में। और एक ही नेचुरल जो एशियन टाइम है उसके देखो ये ब्लॉक, एक ही साइज़ के ब्लॉक बनाए गए हैं, एक ही साइज़ के ब्लॉक, एक साइज़ के उसको कटिंग करके अलग अलग साइज में अलग अलग साइज़ को इसको मेजरिंग की है। साथ ही साथ आपने देखा होगा जो जॉइंट है, जैसे ब्लॉक का जो जॉइंट है इसको भी अलग से काटा गया, ताकि अगर जॉइंट के ऊपर जॉइंट आ गया तो वहीं से ये क्रैक कर जाएगा और टूटने के चांस रहते, तो इसको जो लोड है एक ब्लॉक का दूसरे ब्लॉक के ऊपर ट्रांसफ़र करने के लिए इसको अल्टरनेट दिया गया। जैसे कि हम छतों के ऊपर या फिर बीम के अंदर सरिया को अल्टरनेट देते हैं, सेम इसी तरह इसमें बी ब्रिक वर्क अल्टरनेट दिया गया है, ताकि जो ब्लॉक के ऊपर ब्लॉक ना आए, वहाँ से जॉइंट को क्रैक ना करे, इसका लोड इसके ऊपर ट्रांसफर हो जाता है, इसका लोड इसको ट्रांसफर, इसीलिए इसमें सीजर कोर्स, ठीक है। काफ़ी इंटरेस्ट बनाया गया है, काफ़ी एशियंट में काफ़ी इंटरेस्ट लगा इसको देखने में, जो पुराने चीज़ें होती हैं, पुराने जो मिस्त्री होते हैं, पुराने इंजीनियर्स हैं, वो कैसे इसको कलाकारी करते हैं। आज के टाइम में तो मिस्त्री तरह मोटा मोटा मसाला लगा देता है, और पहले के टाइम में बिल्कुल बारीक मसाला इसमें जॉइंट के लिए यूज़ किया गया है, पतला मसाला और ब्लॉक भी यूज़ किए गए हैं। आज के टाइम में तो ब्रिक्स यूज़ होती हैं, लेकिन टोटली पत्थर से बनाया गया है। पत्थर से क्या होता है, इसमें प्लास्टिक की रिक्वायर्ड नहीं होती है, और प्रॉपर ये लॉन्ग टाइम तक चलता है। और टेरेस के लिए ऊपर भी कितना अच्छे से काम किया गया है जी, प्रॉपर चारों कॉर्नर में दो दो पाइप दिए गए हैं ड्रेनेज के लिए। वेरी इंटरेस्टिंग फैक्ट्स इसमें देखने को मिला है, वाह वेरी इंटरेस्ट। तो आप कमेंट करके बताना कि आपको ये कैसा लगा। देखो जैसे कॉर्नर के अंदर भी ये दिया गया डिज़ाइन बनाया गया है, इसकी थिकनेस बढ़ा दी गई है, फिर ऊपर से थिकनेस इसमें कम कर दी गई है। अब चलते हैं जीने की तरफ, जीने में आपको और दिखा देता हूँ मैं आपको, जीने की जो चौड़ाई है अप्रोक्सीमेट इसकी 2.5 फीट की चौड़ाई जीने की रखी गई है, और इतनी कम जगह में ही जीना बना दिया गया है। अब लेके चलते हैं जीना में से नीचे, तो जीना में आपको दिखा रहा हूँ मैं आपको कितनी कम जगह में कितनी हाइट पे, जैसे कि इसकी हाइट है टोटल राइजर और इसकी जो चौड़ाई है इसको कम कर दिया गया है। जैसे यहाँ पे देख पा रहे होंगे अभी ये एक पवित्र स्थान भी माना जाता है, जैसे पुराने स्थान होते हैं इसको पवित्र मान लिया जाए, जैसे कि मैं आपको दिखाऊंगा। तो इस तरह से आपने देखा होगा चप्पल में निकाल के आया हूँ नीचे ही बाहर ही, और पवित्र स्थान इसको माना गया है। बड़ा इंटरेस्ट यहाँ देखने को मिला है, और जैसे कि ये पहले पुराने टाइम में इसको बनाया गया, जैसे इसमें कोई नेचर हवा के लिए या फिर कुछ चीज़, जैसे कि अग बारिश में टाइम में अंधेरा होता है तो दिया होते थे, तो वो दिया यहाँ पे तेल वाले डिबिया पोंप होती है, यहाँ पे इसको रख के जला लो और रोशनी के लिए प्रॉपर रोशनी रहेगी उजियाना में, ठीक है। काफ़ी अच्छा बनाया गया है, उसकी चौकट होती है वो भी पत्थर की ही बनाई गई है कटिंग करके। ये देख लो भाई इसका नज़ारा है, ये एक विंडो का जो काम है, इसको जो ओपनिंग का काम है, इसका काम भी दोनों का काम करता है, तो लाइटिंग के लिए ताकि इसको गुंबद के अंदर रोशनी भी रहे, ठीक है। तो ये कवर है ख्वाजा की, तो उसके साथ ये दोनों भी अभी भी कवर है, और साथ में यहाँ पे बच्चे की दो बच्चे हैं, इनकी कवर भी बनाई गई है यहाँ पे। काफ़ी इंटरेस्ट यहाँ पे देखने को मिला है, तो फुल ब्लॉग आप देखना चैनल पे, मैं अपने जो ब्लॉग चैनल उस पर बना दिया गया है, मैंने बनाया है, तो उस पर आप देख लेना। जो पुराने गेट हैं, जैसे कि आप आज के टाइम में तो एलुमिनियम के लगाते हैं, स्टील के लगाते हैं, बट लेकिन यहाँ पे जो गेट है वो बनाए गए हैं वुडन के, वो कुंडी भी यहाँ पे पहले के टाइम में लोहे की बनाई गई, जैसे कुंडी देख पा रहे हैं लोहे की कुंडी, इसको बना के पुराने टाइम में ये लोहा भी होता था, किस तरह का गेट बनाया गया लकड़ी का, कितना हैवी गेट बनाया लकड़ी का ओनली, बड़ा इंटरेस्ट। और ये जो कीले कीले दी गई हैं ये किस तरह होती है, ताकि प्रॉपर कोई इसको आगे से इसको सेफ रख सके इसको गेट को, साथ साथ ये सॉरी वार्सल्स, जैसे पहले के टाइम में वार्सल होती नट बोल्ट में, ये वार्सल इसमें लगाई गई है,
ये वार्सल इसमें दी गई है, और इसका जो इसको रोका कैसे गया है वो भी आपको दिखा देता हूँ मैं। वहाँ पे जैसे आप देख पा रहे होंगे ऊपर जो पत्थर है, पत्थर में ऊपर इस लकड़ी का जो कॉर्नर है वो बढ़ा दिया गया, जैसे लोहे का इसमें लगा के ऊपर वो ऊपर वहाँ पे लगा दिया गया, और जो नीचे है नीचे यहाँ पे इसको नीचे रोक दिया गया है। जो पूरा जो गेट है इस पर रोका गया है, ये थोड़ा होल दिया गया गेट के अंदर। हमारे घर में जो पुराना घर था वहाँ बड़ों का, तो गांव के अंदर था हमारा भी, तो उस तरह में कुंडी वंडी उस तरह होती थी, और इस तरह से ये ऊपर डिजाइन इसको दरवाजे को रोका गया है वहाँ पत्थर लगा के, उसके बाद यहाँ पे नीचे इसको पत्थर लगा के इसको रोका गया है। ये गेट तो किसी ने तोड़ दिया या फिर कैसे हुआ, हवा में टूटा है तूफान में टूटा है, कुछ इसका जानकारी नहीं है, और नेचुरल रोशनी के लिए ये दिया गया है। काफ़ी अच्छा इसको देखने को व्यू मिला है, और जो छत में देख पा रहे होंगे टोटली ये ब्रिक से ब्रिक ओनली ब्रिक है, वैसे लाल ब्रिक है, ओनली पत्थर से ही इसको डिजाइन किया गया है। जो गुम्बद है इसमें कोई सरिया नहीं है, जस्ट ओनली मोर्टार एंड ब्लॉक से ही इसको बनाया गया है, और डिजाइन भी बड़े अच्छे अच्छे से डिजाइन दिए गए चारों तरफ, ओनली पत्थर पत्थर के डिजाइन भी कितना अच्छे इंटरेस्ट देखने को मिल रहा है इसमें। उसके बाद ये पत्थर जो डिजाइन है इसमें जो लिखा गया है वो भी पत्थर जो डिजाइन किया गया वो भी इसमें लिखा गया किसे, ओनली पत्थर को कटिंग कर करके पत्थर, ये ओनली पत्थर है, कोई मशीन से इसमें डिजाइन नहीं हुआ, जैसे ये पत्थर देख पा रहे होंगे इसको डिजाइन करके इसमें लिखा गया है अरबी में, अरबी की भाषा में लिखा गया। आप पढ़ सकते हैं तो मैं इसको दिखा देता हूँ, अगर आप पढ़ सकते हो तो फुल व्यू आपको मैं दिखा दूंगा, अगर कोई पढ़ सकते तो उसको पढ़ लेंगे। ये चीज है, ये चीज आपको पूरा दिखा देता हूँ, अगर पढ़ सकते हैं तो आप इसको पढ़ लेना, इसमें क्या लिखा गया है क्या बताया गया है अरबी के अंदर। ट्रांसलेट भी कर सकते हो, गूगल ट्रांसलेट होता है वो, उससे भी ट्रांसलेट हो जाएगा। यहाँ कुछ लिखा गया अंदर, ये कुछ लिखा गया कुछ यहाँ पे कुछ आते हैं कि ये दिया के लिए पता नहीं क्या बनाया गया है, काफ़ी कुछ अपनी मन्नत के लिए पूरा करने के लिए आते हैं, कोई इसको देखने के लिए आता है, तो ये है ख्वाजा का ये व्यू है। तो कोई इसमें जैसे कोई कुछ करता है तो यहाँ पे कुछ इस तरह से बना दिया गया है, यहाँ पे इसको अपनी मन्नत के लिए कोई अपने ठीक है तो ये बनाया गया है। तो काफ़ी अच्छा इंटरेस्ट है, काफ़ी जो इसमें डिज़ाइन कलाकृति दिखाई गई है काफ़ी इसमें, जैसे कि देख पा रहे हो डिज़ाइन बनाया गया है, जैसे कि ये पोर्च है, ये जैसे आर्च टाइप में इसको भी बनाया गया है, टाइप में अंदर से रखने के लिए भी काफ़ी इंटरेस्ट, जो पुराने हैं काफ़ी अच्छी कलाकृति करके चले गए, मैं बहुत कुछ आपको दिखाऊँगा। तो कमेंट्स करना, बताना आप इसका ओवरव्यू क्या देखना चाहते हैं इसके अंदर, आप कमेंट करना चाहते हैं तो इसके बारे में हुए हुआ कुछ बताऊंगा मैं आपको। कमेंट करना, वीडियो को लाइक करना, शेयर करना ज़्यादा से ज़्यादा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।